हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अनूप सेमवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आया हूँ केदारनाथ, अपने गांव गिरिया मनसुना। घर पर था हमारा पिलौंजी में। अभी हूँ मैं अपने घर पे। ये पीछे देख रहे होंगे, हम मेरा घर है। ये घर की क्या स्थिति हुई है, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं और घर छोड़ा हुआ है। घर की स्थिति बहुत कंडीशन ख़राब है, पानी भी नहीं आ रहा यहाँ। अभी हम पानी लगाने जा रहे हैं जंगल की तरफ, क्योंकि बहुत ख़तरनाक जंगल है और रखा डर लग रहा है। पटाखे भी रखे हुए साथ में, हथियार भी रखे हुए अपने साथ में, कोई जानवर मिल गया, कई चीज़ें, कई खतरा है यहाँ पे। और आपको सामने केदार घाटी भी दिखाएंगे हम वीडियो में। आप वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, धन्यवाद। आपको वीडियो में दिखाते हैं आपको प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। आज दोनों भाई जा रहे हैं हम पानी लगाने। सबसे पहले पानी की व्यवस्था करते हैं। ये पूरा घास ही घास जम गया, पूरा जंगल हो गया यहाँ, रास्ता ही नहीं जाने के लिए। देखते हैं, ये पूरा जंगल हो रखा है। ये मेरे घर का रास्ता है, ये पूरा देखो, यहाँ जंगल बन गया पूरा। ये देखिए भाई जी, देखो पूरा जंगल है। ये देखिए हमारे चौक की हालत, ऐसे लग रहा है जैसे धान की रुपाई हो गई हो। चौक में पूरा घास जम गया भाई। और मकान की स्थिति देखो भाई, क्या स्थिति हो रखी। ये मकान, ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं ये, और मकान पूरा। ये कलशिला माँ की चोटी है। ये देखे जानवरों ने क्या कर दिया, जंगली जानवरों ने। यहाँ भालू शेर सब आते हैं, यहाँ रात को बरामदे में बैठ जाते हैं। मकान की स्थिति देखो यहाँ। और ये पीछे देख रहे होंगे आप, मेरा छोटा भाई हमारे मकान के पास में झाड़ी काट रहा है। अब चलते हैं हम जंगल की ओर, पानी लगाने जा रहे हैं हम। भाई भी लगे हुए फोन में, मकड़े के जाले लगे हुए भयंकर। मकड़ा जाल है यहाँ बहुत ज्यादा। हाँ भयंकर, जहाँ यह देखा पूरा मुंड पर ले गए। हाँ तू आया था साफ कर यार, मैं पैसर बाउन। हाँ ये छोटा भाई बैठ गया आराम कर रहे। ये नीचे दिख रहा हमारा मकान, दिख भी नहीं रहा झाड़ियों की वजह से। और ये रास्ता है, अब इस रास्ते से जाना हमने ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जंगल की तरफ। ऊपर है चाचा लोगों का घर, चाचा चाची रहते हैं, पहले वहां चलते हैं, तब उनको भी साथ में लेते हैं, क्योंकि हमें तो लग रहा अकेले में डर, और डर के आगे है जीत। चलते हैं हम जंगल की तरफ पानी ठीक करने। तो पटाखा फोड़ेंगे पहले, इससे देखते हैं इसमें कितनी आवाज़ है, क्योंकि आजकल पटाखे किसी में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ है, किसी में बहुत कम है। तो पटाखे फोड़ेंगे सबसे पहले। अनूप सेमवाल भाई लगे हुए हैं। और पटाखे में आवाज़ क्या है, कितनी है, और ये आवाज, ओ तेरी पटाखा फूट गया है। कैमरा मेरा हिल गया था और मैं पटाखे की आवाज़ सुन करके यहाँ पर बहुत खतरनाक। चलो अब चलते हैं, चलते हैं ऊपर ऊपर। ये छोटे भाई आ रहे हैं, कितनी थकान लगी, बहुत ज़्यादा, बहुत चढ़ाई, बहुत ज़्यादा थी। हाँ चढ़ाई पर चलन आदत थोड़ा कम हुई, कम हुई आजकल। सुंदर सुंदर फूल लगा रखे रास्ते में, ये प्यारे फूल देखो, ये देखो प्रकृति का आनंद ले फूलों के साथ। ये देखो रास्ते पर उन्होंने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे। ये आ गया चाचा लोगों का घर, पड़ी पड़ना इधर चाची दे, अंदर चाची है। हाँ हाँ, ये कि ब्योड़ा का छिन बिछरी गया हम तो है, अभी होने लगा। चाची प्रणाम। हाँ ठीक चाची, तेर बच्चा। हाँ सब बढ़िया, ये याद रखना चाची, बाल बच्चा ठीक। हाँ, हाँ, हाँ,
अभी देखा होगा अपना चाची से मुलाकात हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम चाची लोगों के यहाँ चाची ले आए हैं चाय, और चाय में खा रहे हैं हम रोटी चाय में डुबो के, और ये छोटे भाई खा रहे हैं चाय में रोटी। चाची ले आई हमारे लिए कुर्सी बैठने के लिए। चाचा भी आ गए हैं। चलते हैं पानी लगाने, चाचा जी भी हैं साथ में। आगे आगे चल रहे हैं, चल रहे हैं हम जंगल की तरफ। आगे आगे चाचा जी हैं, पीछे से आ रहे छोटे भाई। चाचा जी बता रहे थे सांप सूंप का बहुत ज़्यादा डर है दिन में, अभी सुबह का टाइम है तो अभी तो नहीं है इतना डर, क्योंकि हम तो आ रहे बहुत टाइम बाद, तो हमें लगता है डर, तो चाचा जी को लाए साथ में। ये तो रास्ता बहुत ख़राब है, आराम से है क्योंकि रास्ता है नहीं जाने लायक, भयंकर जंगल हो रखा भाई। भाई आराम से आना है। चाचा जी निकल गए आगे घास को चीरते हुए। घनघोर जंगल है, आवाज करते हुए, क्योंकि भालू होगा, सुअर होगा, बाघ होगा और सांप सूप का डर है, तो आवाज करके जाना पड़ता है ताकि जानवर हमसे दूर चले जाए, हमला ना करे। ये चाचा जी बहुत दूर पहुंच चुके हैं क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं। आराम से जाना भाई, गिरना नहीं, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी भी सांस फूल रही है और चढ़ाई भी है। और चाचा जी पहुंच गए ऊपर, चलो इसे चाचा जी को साथ में लाएं। आवाज़ करते करते जा रहे हैं हम लोग ताकि जानवर दूर भाग जाए, क्योंकि पहाड़ों में ऐसी आवाज़ लगानी पड़ती है ही नहीं रास्ता। ये रिंगाल के बोन को साफ करते हुए चाचा जी आगे जा रहे हैं। ये पहुंच चुके हम पानी की स्रोत पे, चाचा जी देख रहे हैं और झाड़ी साफ कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, और आगे वीडियो बनाएंगे मेरे छोटे भाई आदित्य सेमाल, क्योंकि मैं सफाई करता हूँ। मुई क्योंकि भयंकर चढ़ाई थी और कांटों के बीच। हाँ बड़ा जी, अच्छा अच्छा, और बड़ा बना जो जोड़ना पड़ेगा, आज खतरनाक है। अच्छा पानी लगा, ये बड़ा खतरनाक, ये बड़ी खतरनाक जगह। अब यहाँ से भी हम पानी लगाएंगे, इस टैंक से भी पानी, पानी लिया था। हाँ पानी तो ले आया नहीं था,
फाइनली यहाँ से तो पानी जा रहा है, हमने सफाई कर दी है स्रोत की और ये पानी आ रहा है पहाड़ों से रिस के अंदर से और ये स्रोत है और यहाँ से पानी जा रहा है अंदर। और मेरे पैर में जोंक ने काट दिया, यहाँ भाई को जोंक ने काट दिया है, यहाँ पे काटा है। ये देख ये जोंक ने काट दिया है, जोंक बहुत है मेरे अंदर, पता नहीं कितने जोंक चले गए, अब घर जाके ही देखूंगा मैं। चाचा जी चले गए उधर अपना वाला पानी ठीक करने और देखते हैं वहाँ भी चलते हम। और ये चाचा जी पक्का अपने घर का पानी ठीक कर रहे हैं, इनका पास में ही दूसरा स्रोत है, कम जाना से जाता है इनके घर का पानी। ये लगा रहे कि पानी की बाल्टी स्रोत के पास। बरसात में जा रहा हूँ, अच्छा अकेले होना वाला मैं तो अब पानी स्रोत थोड़ा सा तेज हुई बार ना, अब आ तेज हुई पानी ना, हाँ अब आ तेज हुई पानी भी जान बैठे, हाँ पर ब्योर नौखा बदियो हो पड़ो कि चाल लगी नहीं आई नहीं आई और व्यवस्था की वजह से कितना घर का ना पल जोखा घर भी ना नहीं जो आज बटे बटे चला ना, हाँ थोड़ा मोटा तब यो आज पल तो नाव से पता लग जाए नहीं से चुराव तक ये तो छोटा पल छोटे लगा ना बड़ा जमा कोड़ा कवानी पड़ जाए ना सिर्फ अनु भाई ढका रहे इस टाइम कंटर से। फाइनली दोस्तों हमने पानी तो यहाँ से जोड़ दिया, पानी जा रहा है नल से ऐसा लग रहा है, अब घर जाके देखते हैं हम पानी आ रहा है या नहीं, देखते मिलते हैं आपको घर जाके, देखते हैं अगर पानी आया तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा हम दोनों भाइयों को, अब तो हम दोनों भाइयों को अकेले आना पड़ेगा, अभी तक तो चाचा थे हमारे साथ सपोर्ट था, अब अकेले हो गए दोनों, चलो मिलते हैं घर पे। अभी हम पहुंच गए चाचा लोगों के घर पे, चाचा जोंक देख रहे, जोंक ना लगे हों और कुंबर भी लग गए बहुत सारे हम पर तो लग गए, लेकिन हम घर जाके निकालेंगे। छोटे भाई को तो जोंक ने काट दिया, वो बैठ गए घायल होके। आप चाची कह रही है चाय पी के जाओ, चाय पी के चलते हैं हम घर की तरफ, मिलते हैं आपको पानी आया दिखाते हैं, नहीं तो फिर आएंगे दोबारा दिखाते हैं। ये देखे छोटे भाई को जोंक ने काट दिया, ये लगा हुआ है ऊपर भी काट दिया, अच्छा। तो दोस्तों फाइनली हमारी मेहनत काम आई है और पानी आ चुका है, अब हमें दोबारा नहीं जाना है पानी ठीक करने, हमारा काम हो गया है, पानी आ गया, भगवान की कृपा हो गई, देवी राज राजेश्वरी और भैरवनाथ की कृपा हो गई, पानी आ गया, क्योंकि वहाँ जाना खतरों से भरा है जहाँ से पानी आता है, हमारी हिम्मत नहीं है अकेले वहाँ जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये मेरे पीछे देखोगे ये पानी आ चुका है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें, अनूप सेमवाल ब्लॉग केदारनाथ घाटी रुद्रप्रयाग।